अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। सो जी, सुबह हुई थी तो मैं बस फ्रेश हो रही थी। मैंने कहा चले आप लोगों को आज अपना बिल्कुल मॉर्निंग का लुक भी दिखा देते हैं कि मैं मॉर्निंग में कैसे होती हूँ। ये मेरा बिल्कुल मॉर्निंग का सुबह सुबह का गंदा सा हो लिया है। मैं वॉशरूम में ब्रश कर रही थी तो मैंने साथ ही वीडियो शूट कर ली। तो कोई मेकअप कुछ भी नहीं, जस्ट सिंपल। ये मैं रूटीन जा रही थी सुबह सुबह, कहीं चले भी जाना था तो पैसे भी कमाने लगी थी। ये एटीएम है, लाइट का एटीएम है, इधर जा रही था गई थी मैं पैसे निकलवाने के लिए। अच्छा जी, अब एटीएम पे आ गई हूँ मैं। मैंने कहा थोड़े से पैसे निकाल लिए जाएँ, जारी बात है फर्नीचर वालों को पे करना है, तो एटीएम पे निकाल के फिर हम चलते हैं फर्नीचर वाली शॉप पे। ये है जी मेरा फर्नीचर, ये जो ब्राउन कलर में आपको लेदर के नज़र आ रहे हैं, ये बेड बनवाए हैं। ये तीन बेड हैं, दो सिंगल और एक डबल। ये उसी शॉप पे ही हम बैठे हुए थे और ये साथ, ये बच्चे भी साथ गए थे, बेटे दोनों साथ गए थे। ये देखिए आप। अच्छा जी, इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने ऑयल डाल लिया पहले पैन में, और सबसे पहले इसमें मैं प्याज डालूँगी। ये प्याज मैंने पुलाव के हिसाब से काटे, बहुत बारीक नहीं काटे, थोड़े मोटे मोटे रखे हैं। प्याज को अच्छे से सोटे कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें वो डाल दिया था जीरा मसाला वगैरह, गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाला है वो डाल दिया था, और साथ मैंने इसमें छोटी इलायची डाल दी है। फ़ोन में अकेला पकड़ के वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया। हाँ, थोड़ी देर इसमें भूनेंगे कलर चेंज होने तक, और साथ ही दो चम्मच भर के लहसुन अदरक का के तीन कर लें कि चिकन ज़्यादा है, 1.25 किलो चिकन है। चिकन का कलर चेंज होने तक हम उसको भून लेंगे। चिकन जो है थोड़ा बहुत हम इसको भून लेंगे ताकि ये कलर चेंज होता रहे इसका। ये तकरीबन मैं 1.5 किलो चिकन, 1 किलो चावल है मेरे, वो मैं बना रही हूँ। मैं अपने घर के मजदूरों को खाना भेजना है जो मेरे घर में काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच, टीस्पून है तकरीबन, चिली फ्लेक्स डाल दूंगी और 1 चम्मच काली मिर्च। साथ ही 1 चम्मच नमक, दो चम्मच ये मैंने तकरीबन शान का बिरयानी मसाला डाला है, इसको टमाटर डाल देंगे, 3 टमाटर, और
भूनेंगे हम थोड़ा, मैं इसको भून लेती हूँ और आप सब देखती हूँ। चलिए ये मसाले तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हो गए। अब मैं इसमें एक ग्लास तकरीबन आधा ग्लास 1/4 ग्लास जो है पानी डाल के चिकन को, इसी पानी में हमारा चिकन गलेगा तब तक हम चावल रेडी कर लेते हैं। ये मैंने पानी डालकर चावलों के लिए तकरीबन 5.5 ग्लास पानी था, तो ये चावल थे तो उसके हिसाब से मैंने डबल पानी डाल दिया था, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था तो मैंने फिर उसी से पहले डाल के तो फिर उसका जो है वो एक क्लिप शूट कर लिया आप लोगों के लिए। ये यानी अब मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए। ये चीज़ जो है पानी अब बॉयल होगा और फिर बड़ा अच्छा से बॉयल के बाद, बॉयल जैसे ही आया मैंने इसमें ये चावल डाल दिए। ये देखें बॉयल हो रहा है, मैंने चावल इसके अंदर मिक्स कर दिए थे, ये देखें ये चावल इसके अंदर बन मिक्स हो गए थे और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी बड़ा अच्छा था, सबने बड़ा पसंद किया था। ये मैंने अब इसको दोबारा कवर के, ये सिचुएशन है इस टाइम चावलों की, ये देखें बस पानी थोड़ा सा और सूख ले फिर इंशाल्लाह इसको दम देते हैं। हमने थोड़ी आंच तेज़ कर दी है, देखिए बड़े मज़े के बबल्स बन रहे हैं बीच में। ये चीज़ ये नए हुए से हम बस मैं इसको दम लगा के फिर आपको दिखाऊँ। इसको कपड़े के साथ अखबार का नहीं किया क्योंकि अखबार में नहीं, मैं कपड़े के साथ ये देसी तरीके से मैंने इसको दम दे दिया। बस अभी जैसे ही दम रेडी होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने। ये जी चावल रेडी हो गए, मैंने छोटा सा क्लिप शूट कर लिया क्योंकि मैं इसको उस तरह नहीं कर पाई क्योंकि अम्मी लोगों को मैं मेकअप कर रही थी, अम्मी लोगों ने जाना था। अच्छा जी, होपफुली आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि मैं अपने घर में जल्दी से शिफ्ट हो जाऊँ और अपने घर में जाके अच्छा सा वक्त गुजारूँ, क्योंकि अपने घर से ज़्यादा प्यारी चीज़ कोई भी नहीं है। मेरे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक जिनके पास अपना घर नहीं है उन सबको अपना घर दे। मुझे दुआ में हमेशा याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बहुत सारा प्यार देना नहीं भूलना। अपने हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमेशा अपने मेरे साथ मेरा साथ दीजिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा अपनी भरपूर भरपूर दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।